नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564505096906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। फिजिक्स की शुरुआत हमने डेफिनेशन से की थी, उसके बाद कुछ यूनिट और मेजरमेंट से संबंधित चीजों को देखा था, कुछ टेबुलर फॉर्म में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उन्हें भी कलेक्ट किया था। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और मैकेनिक्स को देखते हैं। फिजिक्स की जो सबसे प्रसिद्ध ब्रांच है मैकेनिक्स, उसके बारे में देखेंगे। और मैकेनिक्स को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि मोशन असल में क्या है, और ये जानना आसान काम है। मोशन की डिफिनीशन एकदम सीधी है। कहा गया कि इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, अगर पोजीशन उसकी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो मोशन में है। आज इस स्थान पे है और आपने कुछ समय बाद देखा तो वो दूसरी जगह चली गई है, इसका मतलब है कि वो चलायमान है, गति कर रही। और यही चीज यहां बताई गई कि रेस्ट और मोशन जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब या तो बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होगी और नहीं तो मूव कर रही होगी तो मोशन में होगी। तो ये आपने देखा, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन इक्वल टाइम विद वेलोसिटी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो डिफिनीशन है उसमें आप एक जान जाइए दूसरा हो जाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है सेम डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में और वेलोसिटी तो उसके अंदर रहेगी और वेलोसिटी भी सेम रहेगी, वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा ना तो उसकी जो मोशन है वो चेंज हो जाएगी, मतलब मोशन का टाइप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ ये बताया गया कि सेम डिस्टेंस वो इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी जो उसके अंदर जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसमें एसेलरेशन नहीं पाया जाता है, बॉडी जो है ना वो एसेलरेट नहीं होती है। एसेलरेट होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और उसके बाद वो सेम डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा बल्कि ज़्यादा दूरी तय कर लेगा कम समय में। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, अ पर्सन ड्रॉप्स अ बॉल ऑन प्लेटफॉर्म इन अ ट्रेन रनिंग एट द सेम स्पीड। यहाँ कहा गया द पाथ ऑफ बॉल विल बी पैराबोलिक। जो प्लेटफार्म की ओर ये बॉल उछालता है ट्रेन के अंदर सवार व्यक्ति, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बॉल जो है उसका पथ पैराबोलिक होगा। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा, सेम स्पीड से अगर वो ट्रेन रन कर रही है तो। इसके साथ ये भी बताया गया कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन अनइवन डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो अनइवन डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल्स में अलग अलग टाइम इंटरवल आपने बांट लिया तो पता लगा कि पहला वाला जो इंटरवल था उसमें उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगला वाला जो है उसमें वो 20 किलोमीटर चला गया। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है। तो ऐसा जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, ऐसा मोशन अगर उत्पन्न हुआ है तो हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो मोशन की डिफिनीशन और वेराइटी तो हमने देखी, लेकिन यहाँ इसके जो एप्लीकेशन है और इससे संबंधित नियम कायदे हैं उसको भी देखना आवश्यक है। तो न्यूटन का जो तीन नियमों का सिद्धांत है इसको देखने की आवश्यकता है। देखिए, पहला नियम है, दूसरा है, तीसरा है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसका इसकी डिफिनीशन एकदम सीधी है। इसमें कहा गया कि अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, अगर वो अपनी रेस्ट की कंडीशन में है तो उसी में रहेगी और नहीं तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसी कंडीशन में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई ना किया जाए। तो ये जो लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक कि आप उसे कोई ऊपर से फोर्स अप्लाई करके रोक नहीं देते। और अगर एक जगह पे रखा है और उस पर आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो उसी जगह पे रखा रहेगा, यानी जिस कंडीशन में है उसी में रहना चाहेगा। तो ये इनर्शिया की स्टेट होती है। अब इनर्शिया की स्टेट से बाहर लाने के लिए क्या करना होगा, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। दो यहाँ पर दिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहला है कि मूविंग बस है और सडनली स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है, तो जो उसमें बैठे हुए पैसेंजर हैं वो आगे की ओर लीन कर जाते हैं, है ना, झुक जाते हैं, और बचे नहीं हैं तो सामने वाली सीट या सामने जो भी है उससे टकरा जाएंगे, क्योंकि आपके पैर तो चलायमान थे बस के साथ, बस चल रही थी, पैर भी साथ में चल रहे थे, लेकिन ऊपर वाला जो धड़ था आपका, ऊपर का जो शरीर था वो स्थिर था, इनर्शिया की स्टेट में था, और वो एकदम से स्टेट ऑफ इनर्शिया से बाहर आता है जब बस में ब्रेक लगता है, और इस वजह से ऐसा होता है। और ट्रेन एकदम से चल पड़े
मतलब कोई भी रुकी हुई ट्रेन है और सडनली वो स्टार्ट हो जाए, तो उसमें ठीक उल्टा प्रोसेस होगा, आप पीछे की ओर झुक जाएंगे, यानी पीछे सीट है उससे टकरा जाएंगे। इसके बाद देखते हैं सेकेंड लॉ को। यहाँ ये बताया गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये एक डिफिनीशन है, डिफिनीशन का दूसरा रूप ही है। दूसरे रूप में हम ये देख सकते हैं कि दस द एसिलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नेट फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, एम को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पे ये डिवीजन में है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में है, यहाँ जब जाएगा तो इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला ईजाद होता है जिससे कि आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, एसिलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, मास तो दिया ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एम इंटू ए, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये आपका फार्मूला कहाँ से डिराइव होता है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्रिकेट के क्रिकेट मैच में दिखाई देता है, जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं उसमें जो बॉल कैच करने वाले होते हैं व्यक्ति, वो क्या करते हैं, अपने हैंड्स को रिट्रैक्ट करते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं, तब जाकर वो सही ढंग से कैच को पकड़ पाते हैं। इसके बाद नंबर आता है सबसे प्रसिद्ध नियम का, जो कि है थर्ड लॉ। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इसमें कहा गया कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन के जवाब में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है और उतना ही होता है जितना कि उस पर एक्शन लगाया गया था। तो प्रश्न ये उठता है कि एक्शन और रिएक्शन है क्या, तो ये दोनों जो है ये फोर्स हैं और कुछ नहीं है, फोर्स की ही वेराइटी। द फोर्स अप्लाइड बाई द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज एन एक्शन, वाइल द फोर्स अप्लाइड बाई द सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिएक्शन। पहले वाले के द्वारा जो दूसरे पर लगाया जाता है फोर्स, उसको हम कहते हैं एक्शन, और दूसरे वाले के द्वारा जो पहले पर लगाया जाता है उसको हम कहते हैं रिएक्शन। तो ये है हमारा थर्ड लॉ। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इसमें एक्शन और रिएक्शन का ही बड़ा महत्व है, तो इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहा जाता है। और एक चीज़ इसमें ये महत्वपूर्ण है कि द साइज ऑफ द फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट। मतलब जितना मात्रा में फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड वाले पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उतना ही इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वाला पहले पर लगाएगा। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, यहाँ दो ही दिया हुआ है, एक तो बुलेट और गन वाला दिया है कि आप गन से बुलेट फायर कर रहे हैं, तो गन क्या कर रही है, वो बुलेट को आगे की ओर फेंक रही है, पुश कर रही है, यानी एक्शन अप्लाई कर रही है, एक्शन फोर्स लगा रही है। बदले में क्या होगा, जो बुलेट है वो पीछे की ओर इस पर रिएक्शन देगी, तो परिणाम ये होगा कि गन जो है वो पीछे की ओर हटेगी, उसको धक्का महसूस होगा, और चूंकि उसे आपने पकड़ के रखा हुआ है तो आपको लगेगा कि पीछे की ओर धकेला जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ कुएं से पानी खींचने वाला एग्जाम्पल दिया है। गाँव में जो कुएं का सिस्टम होता था तो उसमें एक रस्सी होती थी, ऊपर ऐसे घिरनी लगी रहती थी, और बाल्टी उस रस्सी में बांध कर नीचे डालते थे, नीचे पहुँचाते थे, फिर पानी उसमें भर जाता था तो ऊपर खींचते थे। अब बीच में अगर दुर्घटना हो गई, रस्सी टूट गई, तो बहुत संभावना है कि आप कुएं की ओर झुकें और संभले नहीं रहेंगे तो अंदर गिर जाएंगे। तो बड़े लोग इस चीज़ को जानते थे, बच्चे नहीं जानते थे, तो बच्चे अक्सर इसी वजह से कुएं में गिर जाते थे, फिर उनको निकालना पड़ता था। तो ये बातें हैं। इसके बाद आप डिस्टेंस की डिफिनीशन को देखिए। वैसे थर्ड लॉ के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग में इस्तेमाल होता है, जो गर्म गैसें हैं वो अर्थ को पुश करती हैं, अर्थ जो है वो रॉकेट को पुश करती है। पता लगता है कि रॉकेट जो है वो इतनी रफ्तार पकड़ लेता है कि एस्केप वेलोसिटी की सीमा से पार हो जाता है और बाहर निकल जाता है। चलिए डिस्टेंस की डिफिनीशन को देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट को। दोनों आसपास ही रहते हैं और एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में स्केलर और वेक्टर का जो गहरा अंतर है वो जानना आवश्यक है। तो कहा गया कि डिस्टेंस इज अ टोटल लेंथ। ये क्या है, टोटल लेंथ है। अब टोटल लेंथ कैसी, तो बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी, पहले जहाँ थी और अंत में जहाँ पर है, उसके बीच की टोटल लेंथ को हम जब मीज़र करेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे, तो हमें प्राप्त होगी डिस्टेंस। इसमें यह बताया गया कि इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इसमें डायरेक्शन का अकाउंट नहीं होता, डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं होता, डायरेक्शन जानकर आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें टोटल आपको नापना ही पड़ेगा। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है, सिर्फ आपको चाहिए होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड आप मेजरमेंट से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब वो कैसे चल रहा है इस पर कुछ इसका कुछ मतलब नहीं, मतलब ये हुआ कि यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ आपको जाना है, मतलब ये जगह जो है ये आपका घर है, और ये मान लीजिए कि कोई बड़ा मॉल है या फिर आपका एग्जाम सेंटर है, सपोज दैट, तो आप यहाँ जा रहे हैं। अब आपने यहाँ से निकला, अपनी यात्रा को शुरू किया, मतलब आप यहाँ से निकल गए। अब एक रास्ता तो ये है कि आप सीधा पहुँच जाइए,
मतलब सीधा चलिए और बीच में 10 किलोमीटर का पूरा फासला है मान लीजिए, तो आपने क्या किया, यहाँ तक पहुँच के अपना एग्ज़ाम देने का काम शुरू किया। दूसरा ये है कि अभी आपके एग्ज़ाम शुरू होने में कुछ टाइम है, तो आप क्या करेंगे, चाय पीने निकल जाइए। तो आप यहाँ मार्केट गए, वहाँ चाय वाले की दुकान थी, वहाँ गए, फिर आपको ये लगा कि भाई एग्ज़ाम है तो देवता का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, तो आप मंदिर पहुँच गए, भगवान जी का दर्शन किया, कुछ दूरी यहाँ पे गए। उसके बाद कोई दोस्त जो है वो कहा कि हम कुछ दूरी पर फंसे हुए हैं जाम में, आओ हमें पिकअप कर लो, तो आप उसके पास चले गए, फिर आप जल्दी जल्दी लौट के आए और यहाँ एग्ज़ाम दिया, फिर अपने घर चले गए। तो ये लंबा चौड़ा फासला जो आपने तय किया, इसको टोटल जब हम मेज़र करेंगे ना, तब हमें प्राप्त होगी डिस्टेंस। लेकिन अभी कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम इसी के सहारे कैलकुलेट करेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट पे होता क्या है, हम जो मिनिमम लेंथ होती है, जो सबसे छोटी दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें एक ये भी शर्त होती है कि अगर आपने इनिशियल पोजिशन से स्टार्ट किया और आप फाइनल तक गए और फिर वापस इनिशियल पर लौट आए, जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं आप रिटर्न हो गए, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ हुआ ये कि घूम फिर कर आप पहुँचे तो घर ही ना, ठीक है, ये आपका अंतिम बिंदु था और यहाँ से आप अंत में रिटर्न हुए और अपने घर पहुँच गए, तो जहाँ से शुरू किया था वहीं लौट आए। तो जितना आपने ट्रेवल किया, आप इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिकॉर्ड भी होती है, ठीक है, सबसे छोटी दूरी नापेंगे तो 10 किलोमीटर आप गए और 10 किलोमीटर लौट आए, तो प्लस 10 में से माइनस 10 आप इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, जीरो आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हुआ, लेकिन जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। तो अगली जो डिफिनीशन है वो है डिस्प्लेसमेंट की, स्केलर और वेक्टर का जो फ़र्क है उसे आपको दिखाना था। और हाँ, इनकी जो SI यूनिट है वो मीटर ही होती है, SI यूनिट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, यूनिट नहीं चेंज होगी। जैसा कि आपको बताया, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, और ये रिकॉर्ड कैसा करते हैं, इनिशियल से लेकर फाइनल पोजिशन के बीच में। आप कितना भी आड़ा तिरछा चल कर गए हों, लेकिन बीच की दो जो पॉइंट हैं, पहला आपका शुरुआती और सबसे आखिरी, उनके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें ये कहा गया कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वही डिफिनीशन है, किताबी डिफिनीशन से ज़्यादा अगर आप व्यवहारिक समझें तो आवश्यक है, अच्छा माना जाता है। दिस इज इक्वल टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और यूनिट है इसकी मीटर। यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाई एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें ये कहा गया कि जो पाथ लेंथ है उसके ये इक्वल हो, ये आवश्यक नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्टेंस की नहीं, डिस्टेंस में वो होता है। तो कुल मिलाकर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे बड़ा अंतर है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। चूंकि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जितना आपने टोटल लेंथ ट्रेवल किया, टोटल लेंथ आपकी आपके द्वारा चली गई, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें मालूम हो जाती है डिस्टेंस। और हम जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर रिकॉर्ड करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब आप इनिशियल पोजीशन से निकले थे और अंत में घूम फिर कर फिर वहीं पहुँच जाइए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। नहीं तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए, यहाँ डिफरेंस वही बताया गया है, सारी बातें जो पीछे आपसे कही गई वही यहाँ रिपीट होंगी। कहा गया कि इन डेली लाइफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज इन सेम सेंस, बट इन फिजिक्स बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि ये कण विस्थापित हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हम इसे एक समान अर्थ में ले लेते हैं, हम ये कह देते हैं कि दोनों एक ही है। कभी कभी एक के स्थान पे दूसरे का इस्तेमाल करते हैं जो सही नहीं होता है, लेकिन जब साइंस में हम पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ हर चीज़ प्रैक्टिकल होती है, यहाँ हम बारीक अंतर को समझेंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक नहीं कह सकते। लेंथ ऑफ ए स्पेसिफिक पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पॉइंट बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस, सीधी डिफिनीशन है, जिसे कि आपने पीछे देखा। अ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर हुज लेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, ये सब हमने पीछे देखा है, बस इसमें देख लेना है ऐसे ही। डिस्टेंस हैज वनली मैग्नीट्यूड वाइल डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस है तो वो स्केलर क्वांटिटी इसीलिए तो है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट जो है उसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, वेक्टर उसका होता है ना, तो डायरेक्शन आपको पता रहनी चाहिए, उसी के हिसाब से आप उसे कैलकुलेट करेंगे, उसका रिजल्टेंट प्राप्त करेंगे। तो इट इज़ क्लियर दैट डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये दोहराने की आवश्यकता नहीं। साथ में ट्रेवल डिस्टेंस बाई एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है वो भी आपको पीछे बताया, जहाँ से शुरू किया था वहीं लौट आइए, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ वही चीज़ समझाने की कोशिश की गई है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है
और ये फाइनल पोजीशन है, मतलब ये आपका घर है और ये आपका एग्जाम सेंटर है ना। अब डिस्टेंस आप यहाँ चाय पिए, फिर दर्शन किया, फिर अपने दोस्त को लिया, फिर आप घर जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पहुँचे, ये डिस्टेंस आपने ट्रेवल की। तो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट की जाएगी तो ये पूरी लंबाई नापी जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना होगा, और हाँ एग्जाम दिया और लौट के वापस भी आ गए, तो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट की जाएगी तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ ये लंबी वाली दूरी और उसके बाद फिर लौट कर आया तो वो वाली लंबाई, पूरी लंबाई को हम एक साथ मिलकर मिलाकर जोड़ेंगे, और जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो होगी आपके द्वारा चली गई डिस्टेंस, जो कि पॉजिटिव होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पता लगा 10 किलोमीटर का बीच में अंतर है, आप 10 किलोमीटर गए थे और 10 किलोमीटर ही लौट आए, कितना आड़ा तिरछा घूमे उससे कोई मतलब नहीं है, जो सबसे छोटा रास्ता है उसी को हम देखेंगे। तो प्लस 10 और माइनस 10 मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये फर्क है। इसके बाद आगे की चीज़ को देखते हैं जो कि है स्पीड। तो स्पीड को देखेंगे तो साथ में उसकी वेराइटी देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी को, यहाँ भी वही स्केलर वेक्टर का चक्कर है। लेकिन पहले डेफिनेशन को देखते हैं। कहा गया कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यहाँ देखिए यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें भी वही बात है जो पहले डिस्टेंस में थी, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। एसआई यूनिट स्पीड की और वेलोसिटी की एक ही होती है, यूनिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब ये तीन वेराइटी की होती है, पहली तो यूनिफॉर्म होती है, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म, और अंत में निकाल लेते हैं एवरेज। तो तीसरी वाली जो वेराइटी है वो एवरेज स्पीड की, फार्मूला भी साथ में है ताकि आप कोई कैलकुलेशन छोटा मोटा हो तो कर सकें। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है, व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस एट द सेम टाइम इंटरवल इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ एक चीज़ नोट करके रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन जो है इसमें वेलोसिटी जो है वो सेम बनी रहती है, और सेम मतलब किसके इक्वल होती है, एवरेज वेलोसिटी के, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। चेंज आएगा तब तो यूनिफॉर्म रह ही नहीं जाएगा, ये आपने पीछे भी देखा है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, सीधी बात है भाई, अनइवन डिस्टेंस वो सेम टाइम इंटरवल में तय कर रहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि टाइम इंटरवल सेम है, पहले 10 मिनट फिर दूसरे वाले 10 मिनट, ऐसे हमने टाइम इंटरवल डिवाइड कर लिया। लेकिन पता लगा कि पहले 10 मिनट में वो 5 किलोमीटर चला था, मान लीजिए सपोज दैट, अगले वाले में वो 6 किलोमीटर चला गया, तो डिस्टेंस जो है वो लगातार चेंज हो रही। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि उसकी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो वेरिएबल है, क्योंकि इसमें वेरिएशन हो रहा है। और एवरेज स्पीड में क्या होता है, तो इसमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम इलेप्स्ड, ठीक है, ये हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें प्राप्त होती है एवरेज स्पीड। इसकी डिफिनीशन के हिसाब से इसका फार्मूला बना लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वी ए बी, ए वी ये जो ए वी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, एवरेज। तो वी ए वी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये जो डेल्टा है ना ये परिवर्तन को दर्शाता है, चेंज को दर्शाता है। तो यहाँ पर टोटल किया है तो चेंज तो आया ही है शुरुआत से लेकर अंत तक, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इलेप्स्ड। चलिए अब वेलोसिटी को देख लेते हैं, ये डिफिनीशन हमने देखी बिल्कुल सीधी थी। वेलोसिटी में परिवर्तन वही हुआ है, मतलब सिर्फ जो इनकी प्रवृत्ति है वो बदल जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। द डिस्टेंस दैट एन ऑब्जेक्ट कवर्स इन सर्टेन डायरेक्शन, यहाँ ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन जो है वो सर्टेन है, इन यूनिट टाइम दैट इज द डिस्टेंस, यहाँ आप देख रहे हैं दैट इज द डिस्टेंस इट इज डिस्प्लेस्ड, इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, कोई संदेह नहीं है। और एसआई यूनिट इसकी वही होती है जो स्पीड की होती है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो इतना जान लीजिए, देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में एक डिफरेंस और होता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उनकी वैल्यू, मतलब उनका जो टोटल रिजल्टेंट है जितना भी आप निकालते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी। लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसके लिए जो वैल्यू है आप निकालते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, वो हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। कहीं कहीं जीरो हो सकती है, लेकिन वो कंडीशन जो है कभी कभी रेयर देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ अगर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देखें तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जैसी डायरेक्शन रहेगी, और जीरो भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें आप स्पीड और वेलोसिटी के बीच का फर्क है, उसके बाद हम देखेंगे एक्सीलरेशन को। एकदम शुरुआती चीज़ों से हमने शुरू किया है, जब छोटी छोटी बातों को हम समझ लेंगे तो इनसे बनने वाली जो बड़ी चीज़ें हैं उनके बारे में जान पाएंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच का फर्क क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, यहाँ आप देख रहे हैं, इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट पर यूनिट टाइम। स्पीड की डिफिनीशन हमने देखी थी पीछे, वही है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब दूरी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और नीचे समय से भाग दे देते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, वही घिसी हुई बात, और वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ये हमने देखा। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड आपकी स्केलर है।
एक्सीलरेशन क्या है, अब यहाँ से नई बात को शुरू करते हैं। तो हमने ये पीछे ही देखा था कि कोई भी यूनिफॉर्म मोशन करती हुई जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो एक्सीलरेटेड नहीं होता है, उसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं उत्पन्न होता है, नहीं तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो एक्सीलरेशन करता क्या है, ये चेंज जो वेलोसिटी के अंदर आने वाला चेंज है उसको रिकॉर्ड करता है। डिफिनीशन के हिसाब से कायदे से देखते हैं तो कहा गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन, एकदम सीधी डिफिनीशन। और इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब यहाँ ये कहा गया कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है वैसे ही एक्सीलरेशन जो है आपका वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि वेलोसिटी की होगी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, जिधर कोई पिंड जो है वो मूव कर रहा है, उसी दिशा में एक्सीलरेशन को भी हम रिकॉर्ड करेंगे, उसी डायरेक्शन में इसे भी रखेंगे। इसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। पीछे जो हमने टेबुलर फॉर्म देखा उसमें बहुत सारी जो डेराइव यूनिट है उनका परिचय हमने पहले ही प्राप्त कर लिया। अब एक्सीलरेशन को आप वही न्यूटन के सेकेंड लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। और यहाँ पे अगर आप डिफिनीशन के आधार पे इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसके लिए फार्मूला बनाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अगर फोर्स और मास दिया हुआ है तब तो आप उस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, है ना, उससे एक्सीलरेशन आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफिनीशन अगर देखा जाए तो आपने देखा ना कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, समान जो समय अंतराल है या अलग अलग है, मतलब टाइम इंटरवल को नीचे रखेंगे तो कुल मिलाकर हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये जो डेल्टा का सिंबल आप देख रहे हैं ये चेंज को दर्शाता है। अब यहाँ पर जब हमने इतनी सारी बात कर ली है तो अब हम ये समझने योग्य हो गए हैं कि जो वन डायमेंशनल मोशन होती है उसके लिए कुछ इक्वेशन दिए गए थे वो असल में है क्या, उन्हें समझना आसान हो जाएगा। तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए यहाँ कुछ तीन इक्वेशन होते हैं जिन्हें कि आप जानते भी हैं। इसमें जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल है, बाकी t को आप जानते ही हैं टाइम है, और a जो है वो आपका एक्सीलरेशन है। s क्या है, अच्छा s जो है वो फिक्स डिस्टेंस होती है। अब ये जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी देखते हैं ना तो उसमें ये h में तब्दील हो जाता है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, तो इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा जो है वो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपने फिजिक्स को कायदे से पढ़ा होगा अपनी बेसिक लेवल की कक्षाओं में तो वहाँ पर इसका डेरिवेशन करवाया जाता है, लेकिन डेरिवेशन यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। और हाँ, इनका जो सिंबल है वो कब चेंज होता है ये मालूम होना चाहिए। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। और थर्ड वाला जो है वो काफ़ी प्यारा है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यहाँ आप देख रहे हैं यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पे आप a जो देख रहे हैं वो एक्सीलरेशन है, s जो है वो डिस्टेंस है। चलिए, अब यहाँ ये कहा गया कि u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कुल मिलाकर ये लंबी कहानी का मतलब ये है कि अगर आप nवें सेकंड के लिए, nth सेकंड के लिए ये पूरा इक्वेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं जो दूसरा वाला है, ठीक है, दूसरे वाले में चेंज ले आ रहे हैं, तो यहाँ कहा गया कि ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वन डायमेंशनल मोशन के लिए, इसमें अगर आप nवें सेकंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, nth सेकंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप करेंगे क्या, यही जो t वाला मामला दिया है ना, मतलब t दिया हुआ है उसको हटा दीजिए, उसकी जगह लिख दीजिए 2n-1। डेरिवेशन जब आप करते हैं तो ये कैसे आया ये समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे आपको दे दिया है। तो आप कुछ इक्वेशन इस प्रकार से बन जाएगा, s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। अब यहाँ ध्यान दे रहे हैं आप, जो t दिया हुआ था उसको हटा दे रहे हैं, t को रिप्लेस कर दे रहे हैं, और यहाँ जो t स्क्वायर था उसकी जगह आ जाएगा 2n-1। तो ये nth सेकेंड जो है उसके लिए कैलकुलेशन में काम आता है। तो इस तरह के इक्वेशन भी आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ पे अगर आप हैं तो ग्रेविटी को लगातार महसूस करेंगे और वो हर काम में इन्वॉल्व रहेगी। तो मोशन अगर हो रहा है तो बिना ग्रेविटी के सपोर्ट के या बिना ग्रेविटी के उसमें घुसे वो संभव नहीं हो पाएगा। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की ओर फेंक दिया जाए, अपवर्ड उसे उछाल दिया, या ऊपर से आपने नीचे की ओर फेंक दिया, तो दोनों ही कंडीशन में वो गुरुत्व के अधीन यानी पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उसके अंडर में आ जाएगा। क्योंकि हाथ से अगर आपने छोड़ दिया उसे, उछाला, तो वो अब आपके हाथ के कंट्रोल में नहीं है। अब उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो अर्थ की ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है। तो उस कंडीशन में दो प्रकार से इक्वेशन जो मोशन मोशन के इक्वेशन थे उनको हम लिख सकते हैं। पहला इसमें तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका ये हो सकता है कि आप अपवर्ड मोशन करा रहे हैं, यानी चीज़ को आपने ऊपर की ओर फेंक दिया है। तो ऊपर की ओर फेंका तो उसके लिए अब यहाँ एक चेंज आएगा, ए जो आप लिख रहे थे ये सामान्य एक्सीलरेशन था, अब इसकी जगह आ जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी स्मॉल जी। अर्थ के लिए इसकी वैल्यू और हर प्लैनेट और हर सेलेस्टियल बॉडी के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ हम अपनी अर्थ की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ स्मॉल जी लिखेंगे ए की जगह पे। साथ साथ
जो हमने एस लिखा था, जहाँ पे हमने एस यानी डिस्टेंस को लिखा था, उसकी जगह अब हम हाइट को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आप ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऊंचाई की चर्चा होगी। तो ये दो परिवर्तन इसमें आएंगे, बाकी सब वही रहेगा और हाँ सिंबल बदल जाएगा। तो अगर आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इक्वेशन जो पहला वाला है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसे थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है, अब देखिए ये आराम से दिख रहा है। देखिए पहला वाला जो इक्वेशन है ये अपवर्ड मोशन का है, ध्यान दीजिएगा, इसमें यही बारीकी पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सिंबल जो है वो माइनस हो गया और a की जगह पे हो गया g, ये चेंज आए। दूसरे वाले में जहाँ s था वहाँ पे हो गया h, स्मॉल h, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ पे ए टी स्क्वायर था वहाँ पे जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन को देखिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, जहां पर a था वहां g, जहां s था वहां पर h, और जहां पे पॉजिटिव था वहां पे नेगेटिव सिंबल। तो अपवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने देख लिया। अब इसके बाद डाउनवर्ड, अब नीचे की ओर गिर रहा है। आप छत पर खड़े थे और आपने वहां से एक बॉल को नीचे की ओर फेंक दिया या कोई पत्थर नीचे फेंका, तो अब क्या हुआ, वो ग्रेविटी के अंडर में काम करेगा, नीचे की ओर आएगा, मतलब अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचेगी। तो उस कंडीशन में होगा ये कि ये जितने भी सिंबल हैं ये सब प्लस हो जाएंगे, इसमें से माइनस कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन जो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ था, जैसे कि एस की जगह पे हम एच लिख रहे थे, तो वो वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि हाइट तो तब भी है, आप ऊंचाई से उसको नीचे गिरा रहे हैं, तो वहाँ पे आप दूरी नहीं रिकॉर्ड करेंगे बल्कि ऊंचाई रिकॉर्ड करेंगे। तो एच फॉर हाइट यहाँ पे लिखेंगे, तो एस की जगह पे एच लिखेंगे और ए की जगह पे जी लिखेंगे, बाकी इक्वेशन वही पुराने वाले इक्वेशन की तरह से लिखा जाए। तो ये हमने चर्चा की। अब इसके बाद देखते हैं फ्रिक्शन को, तो फ्रिक्शन को उतना ही देखेंगे जितना कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है। यहाँ ये बताया गया कि द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेज इन कॉन्टेक्ट इज अपोज्ड इज नोन एज फ्रिक्शन। मतलब दो सर्फेस जो है वो आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं और एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे के मोशन का विरोध करते हैं, तो वहाँ जो बल उत्पन्न होता है, वहाँ जो फोर्स क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन असल में क्या है, ये फोर्स की ही एक वेराइटी है। अब इसके चार प्रकार होते हैं, फ्रिक्शन के चार टाइप होते हैं, इन्हें देख लीजिए। पहला जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, कोई बॉडी जो है वो रोल कर रही है, लुढ़क रही है, तो उसके लिए। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो एक अलग चीज़ है, और फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो अलग होता है। तो चार वेराइटी इसकी होती है। अब इसमें एक अच्छी बात बताई गई है जिसे कि आप ध्यान रख सकते हैं, कि रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस, यहाँ देख रहे हैं आप, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और बॉल बियरिंग को आप देखें, ये एक तरह की डिवाइस होती है, इसके बारे में आप जानते हैं, और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जो रोटेशनल या लीनियर मूवमेंट होता है उसमें ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए काम में आता है। बॉल बियरिंग की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो इससे मूवमेंट करना आसान हो जाता है। टू रिड्यूस फ्रिक्शन लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल, ग्रीस, ये सब जो है ये इस्तेमाल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए, तो उसके लिए आप कोई लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, या आप यहाँ देख लीजिए, पुशिंग अ रोलर इज मोस्ट मोर डिफिकल्ट देन पुलिंग इट, ठीक है। कोई रोलर है उसे पुश करना जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसे पुल करने की तुलना में। अब इसके बाद कुछ फ्रिक्शन के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फायदा ज़्यादा है, फ्रिक्शन जो है वो हमें मदद ज़्यादा करता है, नुकसान कम पहुँचाता है। फायदे में पहली चीज़ तो ये है कि हमें चलने में सहायता करता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना अप्लाई हो आपके पैर के तलवों और जमीन के बीच में, या आपके जूते का जो सोल है और जमीन है उसके बीच में, अगर वो फ्रिक्शन वहाँ ना काम करे तो आप चल नहीं पाएंगे, आप ऐसा फिसलेंगे, या तो आप एक जगह स्थिर रहेंगे, और नहीं तो एक बार अगर मोशन क्रिएट हो गया, मतलब आपने मोशन करना मूव करना शुरू कर दिया वहाँ से, तो आप रुक ही नहीं पाएंगे, आपकी जो स्पीड है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो फ्रिक्शन जो है वो हमें चलने में, किसी भी सर्फेस पे वॉक करने में सहायता करता है, और आप स्मूथली चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो आपको चलने में दिक्कत होती है, नॉर्मल है तो आप आराम से चल लेते हैं, बहुत कम है तो आप फिसलने लगते हैं, है ना, ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद ये भी बताया गया कि फ्रिक्शन जो है वो एसेंशियल होता है कार ड्राइविंग में, या कोई भी आप व्हीकल चला रहे हैं, या कोई भी व्हीकल जो है वो सड़क पे दौड़ रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसके जो टायर होते हैं और रोड होती है उसके बीच में फ्रिक्शन अप्लाई होता है, और वो उसे चलने में सहायता करता है, नहीं तो फिर गाड़ी फिसल जाएगी और नहीं तो चलेगी ही नहीं। इसके बाद आप देखें जो स्केटिंग होती है उसमें भी फ्रिक्शन आपका काम आता है, साथ में वो आपकी गति को नियंत्रित करता है, नहीं तो आप बर्फ में जाकर धंस जाएंगे कहीं पर, गति जो है वो आपकी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख रहे हैं या फिर मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, फ्रिक्शन ही काम कर रहा है, नहीं तो लिखना संभव नहीं हो पाएगा। वैसे ही जो पेपर और पेन में लिखने का सिस्टम होता है तो उसमें भी फ्रिक्शन काम करता है। अब वही अगर आप कोई बहुत खुरदुरा चीज़ ले लीजिए, मतलब ऐसा कागज है, कागज़ आपने लिया है जो कि बहुत रफ़ है, उसकी जो सतह है वो ऐसे उभरी हुई है, उबड़ खाबड़,
तो उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा तो लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो जाता है तो भी नुकसानदेह होता है, कम होता है तो भी नुकसानदेह होता है, बैलेंस कंडीशन में रहे तो ये बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, जाड़े में आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं, आपको ठंडी लगती है, तो आप क्या करते हैं, अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, तो वहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है और उससे आपको गर्मी प्राप्त होती है, हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार से आप मैच स्टिक को वहाँ लाइट करने का काम करते हैं, जलाने का काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तीली को आप माचिस के बारूद से रगड़ते हैं और उसमें ज्वाला उत्पन्न होती है। ऐसे ही जो आदि मानव था पुराने समय में, उसने क्या किया, दो पत्थरों को रगड़ा, गलती से रगड़ा, क्योंकि वो असल में औजार बना रहा था, अपने लिए टूल्स डेवलप कर रहा था, तो उसमें उसने दो पत्थरों को आपस में तराशने के लिए रगड़ना शुरू किया। नतीजा ये होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वहाँ से चिंगारियाँ निकलने लगती हैं, तब जाकर उसे मालूम होता है कि ऐसी आग जैसी भी कोई ऊर्जा होती है जो कि हमारे बड़े काम की। तो ये तो हमने तारीफ कर ली, अब बुराई कर लेते हैं। फ्रिक्शन की कुछ बुराइयाँ हैं, जैसे कि आप सरफेस को पॉलिश ना करें, खुरदुरी हो जाए सतह, तो उसमें फ्रिक्शन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और वो आपको दिक्कत पैदा करता है। तो यहाँ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के तरीके असल में दिए हुए हैं, जो डिसएडवांटेज है वो नहीं दिया है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, जहाँ पे ये ज़्यादा हो जाता है, सीधी बात है, जहाँ पे इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, वहाँ ये मोशन को पूरी तरह से स्टॉप कर सकता है या कम से कम मूवमेंट का विरोध करेगा। ये गति का विरोधी है, ध्यान दीजिएगा, चलने का ये विरोध करता है, किसी भी चीज़ के चलने का विरोध करता है। अब यहाँ आप कर सकते हैं कि कोई एंटी फ्रिक्शन मेटल है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाल बियरिंग का प्रयोग कर सकते हैं, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी सतह पे या किस चीज़ में फ्रिक्शन आपको कम करना है। तो ये तो बात हुई फ्रिक्शन की, जो कि एक तरह का फोर्स था असल में। अब इसके बाद वर्क एनर्जी और पावर को देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्क को, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वर्क है क्या, यहाँ डिफिनीशन के हिसाब से देखा जाए तो अ वर्क बाय द एक्शन ऑफ अ फोर्स इट्स सेड टू बी डन, ये डन हुआ माना जाता है, इफ व्हेन एक्टिंग देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ नो डिस्प्लेसमेंट अकर्स आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, नो वर्क इज डन। अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आपने प्रयास तो किया लेकिन उस जो ऑब्जेक्ट था उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं देखा गया, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वर्क वहाँ पे डन नहीं हुआ है, मतलब कोई भी काम नहीं किया गया है, चाहे आपने लाख मेहनत ही क्यों न की हो। तो इस प्रकार से डिफिनीशन ये निकलती है कि द वर्क डन बाई द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। इसको बाई फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूले के रूप में अगर देखा जाए तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कैसा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वर्क का जो कैलकुलेशन है वो करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ ये बताया गया कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा, एसआई यूनिट इसकी जूल होती है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जूल असल में क्या है, जूल एक साइंटिस्ट का नाम था लेकिन यहाँ इसकी यूनिट का नाम जूल रख दिया गया है, तो इसको अगर आप एमकेएस या एसआई में कन्वर्ट करना चाहें, वैसे तो ये एसआई यूनिट ही है, लेकिन एसआई में आप इस रूप में से कन्वर्ट कर रहे हैं या एमकेएस में इस फॉर्म में से तब्दील कर रहे हैं कि आप इसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकें, इसकी विमा निकाल सकें, तो उसके लिए आप जूल को किस रूप में लिखेंगे, तो एक जूल की डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए, वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन इंटू वन मीटर, यानी एक जूल जो है वो बराबर होता है एक न्यूटन मीटर के, समझे, तो ऐसे इसको लिखेंगे। अब यहाँ ये कहा गया कि कोई पर्सन जो है वो किसी बॉडी को लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, तो उस कंडीशन में कहाँ से उठा रहा है, तो वो अर्थ पे रखी हुई है, ज़मीन पर रखी है, वहाँ से आप उसे ऐसे उठा रहे हैं, मान लीजिए कोई आटे की बोरी है, उसको आप ज़मीन पर से उठा के हाथ में ऐसे टांग रहे हैं, तो उस कंडीशन में जितना भी वर्क डन आपके द्वारा होगा वो पॉजिटिव होगा, उस जो वर्क डन होगा उसको हम पॉजिटिव ही रखेंगे, और वैसे भी वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात तब तक नहीं आएगी जब तक बाकी चीज़ें चेंज नहीं होती। इसके बाद ये भी है कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन घुमाने के लिए दिए जाते हैं कि मान लीजिए कि ही डज नॉट, यहाँ देखें आप, ही डज नॉट डू एनी वर्क बिकॉज हिज वर्क इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऐसा कब होता है, कोई व्यक्ति जो है वो दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन दीवार वहाँ से टस से मस नहीं हो रही है, तो ऐसी अगर कंडीशन आती है तो हम कहते हैं कि वर्क डन जो है वो जीरो है। जीरो कैसे हुआ, साइंस जो है वो इतने पे स्टॉप नहीं होता है कि भाई दीवार को धक्का दिया, दीवार हिली नहीं, तो हम कहेंगे कि काम नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ माना गया,
तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसका उसके द्वारा किया हुआ वर्क है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के परपेंडिकुलर हो गया। तो उस कंडीशन में होता यह है कि W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे बात हुई है परपेंडिकुलर की, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। और जीरो में आप कुछ भी गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो ही आना है। तो कुल मिलाकर किया हुआ कार्य जो है वो बेकार हो गया, जीरो आया। चलिए अब एनर्जी को देख लेते हैं। वर्क की डिफिनीशन हमने देख ली है, यहाँ वही बताया गया है, उसी चीज़ को यहाँ थोड़ा अच्छे ढंग से कहा गया है कि इफ़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के, ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बीच में एंगल बन जाए, तो वर्क डन जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? अभी कॉस 90 का मान जीरो होता है इसलिए। चलिए एनर्जी को देखते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी वर्क आपको करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगी एनर्जी। तो ये कैपेसिटी है जिसके सहारे आप वर्क करते हैं। और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ नाम गिनाए गए हैं, तो एनर्जी की बहुत सारी वेराइटी है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लाइट एनर्जी हो सकती है, सोलर रेडिएशन हो सकता है, साउंड एनर्जी हो सकती है, बहुत तरह की वेराइटीज़ की। और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको चाहिए होता है। एसआई यूनिट इसकी वही है जो वर्क की है, यानी जूल। तो अब यहाँ पर जो एनर्जी के मुख्य प्रकार हैं, इसका अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी के तौर पे हम एनर्जी को देख रहे हैं। वैसे तो कई सारे प्रकार हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी है, फिर हीट एनर्जी है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझना आवश्यक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स को। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो असल में सम होती है। सम किसका होती है? तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको जो चीज़ प्राप्त होगी वो असल में मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो अब ये जानना ज़रूरी हो गया है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। आइए डिफिनीशन देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी का एक टाइप होता है जो कि उसके मोशन की वजह से होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। और इसमें ये कहा गया कि इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज एम किलोग्राम, यहाँ आप देख रहे हैं मास को हम लोग किलोग्राम में मीज़र करते हैं, इसकी यूनिट दी हुई है। और स्पीड अगर किसी बॉडी की जो है वो वी मीटर पर सेकेंड है, तो उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी के ई शॉर्टकट में, उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए जो फार्मूला है वो आएगा हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या है? मास है, और वी जो है वो स्पीड है इसकी। तो हाफ एम बी स्क्वायर, इसमें आप वैल्यू रख देंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी चाहे जिस भी वैरायटी की हो, ठीक है, एनर्जी चाहे कौन से भी प्रकार की हो, वो हमेशा स्केलर ही होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मीजर ऑफ, यहाँ आप देख रहे हैं, मीजर ऑफ द वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो ये एक डिफिनीशन है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी के सहारे क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम जो है उसके सहारे हम कॉर्न को ग्रिंड कर सकते हैं, और भी बहुत तरह के काम कर सकते हैं। मतलब जितने भी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं, हमारी नेचर में मौजूद हैं, उनके अंदर जो निहित काइनेटिक एनर्जी है उसको हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते आए हैं और अभी आगे भी कर रहे हैं। तो नई नई टेक्नोलॉजी के सहारे हम पानी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, या अभी आगे हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो उन सब का इस्तेमाल करके हम अपनी दैनिक चीज़ों को अंजाम देते हैं। तो वो सब बातें बताई गई। अब यहाँ विंड एनर्जी की बात की जा रही है। विंड जो है वो मूव करती रहती है, उसके अंदर मोशन होता रहता है, मतलब गतिमान है, तभी तो हवा है। तो अगर गतिमान है वो, उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं पाई जाएगी। तो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको भी हम तमाम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी की दूसरी वेराइटी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी की दूसरी वेराइटी है, और ये किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से होती है। पीछे हमने देखा कि मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी थी, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें ये भी बताया गया कि इट इज़ क्लियर दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर अ फोर्स इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, देन ड्यूरिंग इट डन वर्क इज स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर रहे हैं तो जो वर्क डन है वो कहाँ पर स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, सीधे सीधे आप देखें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ये एम डी एच मसाला नहीं है, एम जी एच है। एम जो है वो मास है, जी जो है वो ग्रेविटी है, और एच जो है वो यहाँ पर हाइट। ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के ही संदर्भ में देख रहे हैं। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद हम टोटल करेंगे। तो देखिए, यहाँ वाटर स्टोर किया जाता है रिजर्वायर में,
मतलब इकट्ठा करके रखा जाता है, फिर उसे तमाम काम में ले आया जाता है। मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट होते हैं, नदियों का पानी इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल किया जाता है, बिजली बनाई जाती है और सिंचाई का काम किया जाता है। तो जो रिजर्वायर होता है उसके अंदर स्टोर पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी प्रकार से पेड़ पर कोई फल लटका हुआ है, आम है या सेब है, तो उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी निहित होती है। और आप बो और एरो जो है उसको ऐसे तान रहे हैं, मतलब धनुष पे तीर चढ़ा के आप तान रहे हैं और सामने निशाना लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में तनी हुई जो प्रत्यंचा होती है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। या आप इस जो स्प्रिंग है उसको खींच रहे हैं तो वहाँ भी निहित जो ऊर्जा है, ये घड़ी की स्प्रिंग की बात हो रही है, तो वहाँ भी जो निहित ऊर्जा है, वहाँ इंक्लूड एनर्जी जो है वो असल में पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। अब इसके बाद देखेंगे पावर को। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ दीजिए तो आपको टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो प्राप्त हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। अच्छा, अब एनर्जी को हमने देख लिया, एनर्जी की कुछ वेराइटी देख ली, क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो मैकेनिक्स के ही संदर्भ में हमने एनर्जी को देखा है। अब हम ये देखेंगे कि पावर क्या होती है, बिना पावर के काम चलने वाला है नहीं। तो पावर को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें यह कहा गया कि एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर, यही है पावर, ठीक है। और एवरेज पावर ऑफ अ फोर्स इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वर्क एंड द टोटल टाइम टेकन, डब्ल्यू अपॉन टी। ये किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो इस आधार पे अगर देखें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क और एनर्जी की तरह से पावर भी क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और इसके लिए जो SI यूनिट है वो होती है वाट, और एक वाट इक्वल होता है एक जूल पर सेकेंड के, या जूल सेकेंड इनवर्स, पर सेकेंड है तो सेकेंड को ऊपर लेते जाइए, इनवर्स हो जाएगा। अब इसमें जो जेम्स वाट है उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट का नाम वाट रखा गया है। तो ऐसे ही तमाम जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने महान काम किए हैं तो उनको सम्मान देने के उद्देश्य से अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर जेम्स वाट के नाम पे ये जो पावर की यूनिट है इसका नाम है वाट। और 18th century में जो स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ था, कई सारे इसके इनोवेटर, ऐसा नहीं कि स्टीम इंजन में एक ही व्यक्ति ने काम किया था, लेकिन जेम्स वाट का अमूल्य योगदान, इनके द्वारा जो उसमें सपोर्ट किया गया, जो इनका रोल था वो काफ़ी बड़ा था। इसके बाद आप ये देखें कि इसकी बहुत सारी यूनिट हैं, कई सारी यूनिट हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रसिद्ध है हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर, इसे HP से व्यक्त किया जाता है, अश्व शक्ति कहा जाता है, तो एक हॉर्स पावर जो है वो इक्वल होता है 746 वाट के। और ये यूनिट जो है ये पहले, मतलब काफ़ी पुरानी है पहली चीज़, तो आज के समय में भी ये इस्तेमाल होती है। और जो मोटर पंप होते हैं या आपके मोटर बाइक्स होती हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका इस्तेमाल जो है वो पावर को मीज़र करने के लिए, जो बड़ी पावर होती है उसको मीज़र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, आगे की जो कहानी है उसमें तीन चीज़ों को फिर एक साथ हम देखेंगे। अभी तीन तीन का पेयर चल रहा है। अब पीछे हमने वर्क, एनर्जी और पावर को देखा था, अभी यहाँ पर फोर्स, मोमेंटम और इम्पल्स हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ तीन जिस्म और एक जान है और इन्हें एक साथ देखेंगे। तो फोर्स की डिफिनीशन आप देख लीजिए, ये फोर्स जो है ये पहले से ही काम कर रहा है, मोशन हो रहा है, उसको यूनिफॉर्म बनाना है कि नॉन यूनिफॉर्म बनाना है, उसके लिए फोर्स जो है उसका अपना एक रोल है। फोर्स अप्लाई कर दीजिए, वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, एक्सीलरेशन वहाँ क्रिएट हो जाएगा, तो मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना। वैसे ही पोजीशन अगर चेंज करनी है तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फोर्स की चर्चा हम लोग बहुत पीछे से कर रहे हैं, लेकिन ये खुद क्या चीज़ है, ठीक है। तो फोर्स की डिफिनीशन देखिए, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये बाहरी चीज़ है, ठीक है, बाहर वाले लोग जैसे होते हैं वैसे ही। तो फोर्स इज द एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज और अटेम्प्ट टू चेंज। ये तो इसके बारे में आपने देखा कि ये पोजीशन चेंज करने के लिए काम आता है, लेकिन यहाँ साफ साफ कहा गया कि दैट कैन चेंज और अटेम्प्ट टू चेंज। ये अटेम्प्ट करता है चेंज करने का, अब उसमें वो सफल हो सकता है नहीं हो सकता है, तो एक्सटर्नल फैक्टर की तरह से ये काम करता है। मतलब या तो ये चेंज कर देगा पोजीशन को और नहीं तो चेंज करने की कोशिश करेगा द इनिशियल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्टेट है उसको। तो डिफिनीशन बिल्कुल सीधी है, फोर्स इज द एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज और अटेम्प्ट टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसी कंडीशन है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो उसको भी उसकी कंडीशन से, उसकी जो इनर्शिया की कंडीशन है उससे बाहर लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, एकदम एक लगातार चलता ही जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी या उसे और तेज गति से चलाने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर वहाँ पर अप्लाई करना होगा, और वही फोर्स। तो SI यूनिट इसकी न्यूटन होती है। और CGS में अगर देखें तो इसे कहा जाता है डाइन, ठीक है, डाइन कहा जाता है, काफ़ी अच्छा ये यूनिट है। और 1 न्यूटन में 10^5 डाइन होता है, 1 न्यूटन इक्वल होता है 10^5 डाइन के। ध्यान दीजिएगा, ये डाइन जो है ये CGS
सिस्टम में इसकी यूनिट। अब यहाँ पर फोर्स की चर्चा हुई तो दो बड़े इंपॉर्टेंट फोर्स हैं, एक तो है सेंट्रिपिटल और इसी का दूसरा रूप है सेंट्रिफ्यूगल, दोनों को देख लेते हैं। और ये आते कहाँ पर हैं, तो जो सर्कुलर पथ होता है, सर्कुलर मोशन होता है ना, उसमें इनका काम लगता है। अब सेंट्रिपिटल फोर्स जो है ये केंद्र की ओर लगता है, मतलब अगर कोई मोशन हो रहा है, मतलब कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, उसका जो चलने का पथ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, सर्कुलर है, तो उस कंडीशन में उसे चलायमान रखने के लिए, उस पथ पे चलता रहता हुआ बनाने के लिए वहाँ पर एक फोर्स अप्लाई होना आवश्यक है। और वो फोर्स जो काम करता है वो सेंटर की ओर काम करता है। तो यहाँ जो डिफिनीशन बताई गई है इसमें आप देखिए, अ फोर्स इज नेसेसरी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल विच इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। ये सेंटर ऑफ द सर्किल की ओर काम करता है, केंद्र की ओर खींचता है उस चीज़ को, और वो चीज़ जो है वो कायदे से उस सर्कुलर पथ पे चलती रहती है। तो अगर सेंट्रिपिटल फोर्स न रहे तो जो वस्तु है वो सर्कुलर मोशन या जो सर्कुलर पथ है उस पर ट्रेवल नहीं कर पाएगी। इसका जो फार्मूला है वो सीधा है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपान आर, एम जो है वो मास ऑफ द बॉडी है, वी जो है वो वेलोसिटी है, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो है उसको स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल इसके कई सारे हैं। पहला तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, है ना, बीच में ये पॉजिटिव एरिया होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर ऐसे ऑर्बिटल बने रहते हैं जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे स्पिन करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इनका चक्कर लगाना क्यों संभव हो पाता है, क्यों नहीं ये सारे खिंचकर न्यूक्लियस में जाकर समा जाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर है माइनस, और जो ये न्यूक्लियस है ये काफ़ी पावरफुल एरिया होता है, मैक्सिमम जो मास और डेंसिटी है वो यहीं पर केंद्रित होती है। तो ये पॉजिटिव एरिया है, तो इसको तो करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सब इसके पास आ जाएं, खींच ले सबको, तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हुआ तो एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये बाहरी ऑर्बिटल में ऐसे मूव करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं। तो इसके पीछे जिम्मेदार जो फोर्स होता है वो होता है सेंट्रिपिटल फोर्स। इसके साथ साथ और भी हैं, जैसे कि मड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको साइकिल या स्कूटर के जो पहिए हैं वो अपवर्ड ऐसे फेंकने का काम करते हैं, और इसी के प्रोटेक्शन के लिए मड गार्ड लगाने पड़ते हैं, तो उसमें भी ये सेंट्रिपिटल फोर्स काम करता है। साथ में प्लैनेट्स जितने भी हैं अपने सोलर सिस्टम में या कोई भी सोलर सिस्टम हो, वो किसी न किसी स्टार के चारों ओर घूम रहे हैं, तो वो घूमने में इन्हें सही तरीके से एक सर्कुलर या जो इलिप्टिकल पथ है उस पर सही तरीके से चलाने के लिए उत्तरदायी जो फोर्स है वो कौन सा है, सेंट्रिपिटल फोर्स है। ऐसे ही टर्निंग अ कार, कोई एक घुमावदार मोड़ है उस पर आप संतुलित तरीके से कार को मोड़ पाते हैं, तो वो टर्न लेने के लिए जो आवश्यक बैलेंस करने के लिए आपके पूरे मोशन को जो आवश्यक बल होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। इसी प्रकार से ये रोलर कोस्टर है, इसमें भी वही प्रोसेस उत्तरदायी होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बताई गई है, उसे ध्यान दीजिएगा, जब प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं तो वहाँ जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो ग्रेविटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वो असल में ग्रेविटी होती है, सन के अंदर ज़्यादा ग्रेविटी है, बाकी जो सेलेस्टियल बॉडी उसकी ग्रेविटी में फंसे हुए हैं उनके अंदर कम है, तो यहाँ दोनों के बीच का तालमेल होता है, तो जो ग्रेविटी है वो सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह से काम करती है। सेम वही चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं, जो टर्निंग अ कार वाला एग्जांपल था तो उसमें हमने ये तो देखा कि जब आप मोड़ लेते हैं तो वहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स आपको बैलेंस रखता है, नहीं तो आप गिर जाएंगे। लेकिन वहाँ जो सेंट्रिपिटल फोर्स उत्पन्न होता है वो कहाँ से आता है, वो असल में फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह से वर्क करता है। इसी प्रकार से रोलर कोस्टर वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स एज अ सीट और वॉल पुशेज यू टूवर्ड्स द सेंटर, आपको सेंटर की ओर पुश करता है, तो सेंटर की ओर पुश कर रहा है तो ये क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स है। ऐसे ही आप स्पिनिंग अ बॉल या जो स्ट्रिंग होती है या लैसो जो है उसे आप ट्विर्ल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स जो है ये वहाँ पर किस प्रकार से उपस्थित होता है। हर जगह पे अलग अलग फोर्स अप्लाई होते हैं और उनका रूप जो है अगर सर्कुलर पथ पे मोशन हो रहा है तो वो सेंट्रिपिटल फोर्स जैसा हमें दिखाई देता है, तो हम ये कहते हैं कि उस फोर्स ने अभी किसका रूप धारण कर लिया है, सेंट्रिपिटल फोर्स का। तो यहाँ जो है ये सेंट्रिपिटल फोर्स असल में टेंशन की वजह से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से जो जितने भी नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, वो अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं तो उसमें भी सेंट्रिपिटल फोर्स उत्तरदायी होता है। और रोलर कोस्टर की जो राइड है उसमें भी यही काम आता है, मौत के कुएं का खेल आपने देखा है, उसमें भी सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो जितने भी कार चालक या बाइक चालक होते हैं उनको बैलेंस रखता है। हमने सेंट्रिपिटल फोर्स की चर्चा की, अब हम देखेंगे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को। तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जो है इसे कहा जाता है स्यूडो फोर्स। ये स्यूडो इसलिए है क्योंकि ये छिपा हुआ होता है, लेकिन वो एक्शन रिएक्शन वाला लॉ आपने एकदम शुरुआत में पीछे देखा था, याद है ना, तो न्यूटन का वो जो थर्ड लॉ था वो यहाँ भी काम करता है। क्योंकि एक्शन और रिएक्शन क्या थे, वो दो फोर्स थे अलग अलग, मतलब पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे पर लगाया गया तो दूसरे के द्वारा पहले पर लगाया गया, वैसे ही यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो केंद्र की ओर यानी सेंटर की ओर खींचता है,
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, वो केंद्र से बाहर की ओर धक्का देता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इसका अपना ही महत्व है, नहीं तो पता लगेगा ना कि सेंटर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंटर की ओर, जो सर्किल का सेंटर है उधर खींच लेगा किसी ऑब्जेक्ट को, अगर वो ज़्यादा हो गया तो खींच लेगा और पता लगेगा कि जो चीज़ है वो केंद्र की ओर यानी अंदर की ओर गिर जाएगी। तो उस कंडीशन में इसकी स्थिति को बैलेंस रखने के लिए वहाँ एक फोर्स काम करता है जो कि होता है सेंट्रीफ्यूगल, वो केंद्र से बाहर की ओर धक्का देता है। और दोनों जब बैलेंस कंडीशन में होते हैं, सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, तभी जाकर सर्कुलर पथ पे कायदे से चल पाना संभव हो पाता है, कोई एक ज़्यादा हुआ तो वहाँ बैलेंस खराब हो जाए। तो ये चीज़ आपने देखी और इसकी यूनिट न्यूटन ही रहेगी, चाहे जितने भी प्रकार के फोर्स आप देख लीजिए, डेफिनेशन देख लीजिए, लेकिन यूनिट नहीं चेंज होने वाली। तो एसआई यूनिट की अगर बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी ये न्यूटन का ही है। और यह एग्जाम्पल कई सारे हैं, एग्जाम्पल में आप देख लें, अगर कोई पर्सन जो है वो सर्कुलर स्विंग में बैठा हुआ है तो उसे ऐसा महसूस होगा कि उसे बाहर की ओर फेंका जा रहा है, मतलब जो रेडियस ऑफ द व्हील है उससे बाहर की ओर उसे धक्का देने का, मतलब ऐसा लगता है कि कोई अंदर से बाहर की ओर धक्का दे रहा है, ऐसा उसे एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पर जो काम करने वाला फोर्स है वो असल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो कि असल में सेंट्रिपिटल का विरोध कर रहा होता है। ऐसे ही बहुत सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दैनिक जीवन में एग्जाम्पल, जैसे वॉशिंग मशीन को आप देख लीजिए, या दही से मट्ठा, दही से मक्खन निकाला जाता है तो उसमें भी मथानी अंदर डालकर मथा जाता है तो जो मक्खन के कण हैं वो बाहरी दीवार पर चिपक जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसे कि आप देखते हैं। क्रीम डिस्पेंसर जो है वो भी इसी तरीके से काम करता है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। तो हमने दो अलग अलग प्रकार के फोर्सेस को देखा जो कि काफ़ी काम के थे सर्कुलर पथ पर मोशन के लिए। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है मोमेंटम। तो मोमेंटम की डिफिनीशन क्या हो सकती है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, एंड इज डिनोटेड बाई स्मॉल पी। इस पूरे मोमेंटम को, यानी ये जो क्वांटिटी है, इसे अगर हम देखें तो इसे स्मॉल पी के द्वारा डिनोट किया जाता है। और इसमें हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो ये प्रोडक्ट होता है मास का और वेलोसिटी का, एम और वी का हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं असल में, तो हमें मोमेंटम प्राप्त हो जाता है। तो सीधा फार्मूला है, आप जानते हैं, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी एम इंटू वी। अब ये बात तो डिफिनीशन की हो गई, लेकिन डिफिनीशन के साथ ये भी देख लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियरली वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। और कॉमन एक्सपीरियंसेस, जैसे आप सामान्य उदाहरण ले लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट का कोई मोशन हो रहा है, मतलब या तो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म है, और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एकदम से अप्लाई किया गया, तो उसको आप महसूस कैसे करेंगे? तो आपको उसे क्लियर कट समझाने के लिए, फोर्स वहाँ पर अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, कितना हुआ है, ये बेहतर समझाने के लिए जो चीज़ काम आती है वो होती है मोमेंटम। तो फोर्स को महसूस करने के लिए ज़रूरी है कि आप मोमेंटम को समझें। इसके साथ दूसरी चीज़ें भी बताई गई हैं जो कि आपके काफ़ी काम की हैं। द सेम फोर्स फॉर द सेम डायरेक्शन सेम टाइम काजेज द सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर डिफरेंट बॉडीज, यहाँ सब कुछ सेम रहेगा। और दिस इज़ अ क्रूशियल क्लू टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे जो मोमेंटम का ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम बखूबी देख पाते हैं। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसे हमने पीछे देख लिया है। इसके बाद आप देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, उसी डायरेक्शन में काम करेगा जिधर फोर्स एक्ट कर रहा है, उसके अपोजिट ये काम नहीं करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे और भी चीज़ों को देख रहे हैं। लाइट वेट व्हीकल जो है, जैसे कि कोई छोटी कार है, मारुति 800 है मान लीजिए, और एक भारी भरकम ट्रक है, बहुत सारे पहियों वाला, है ना? तो दोनों को आप एक हॉरिजेंटल रोड पे चलायमान रखना चाहते हैं। दोनों को पहले तो आपने पार्क किया हुआ है, यानी खड़ा किया हुआ है। एक छोटी सी मारुति 800 है और उसके सामने एक पहाड़ है, यानी बड़ा सा लोडेड ट्रक है। तो अब आप क्या इसमें क्या करना चाहते हैं कि दोनों को चला दें, मतलब आप चाहते हैं कि दोनों चलें, उनकी स्पीड को हम देखें कि वो कैसे चलते हैं और आपस में कंपटीशन करते हैं। तो यहाँ हम ये जानते हैं, वी ऑल नो दैट अ मच ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू पुश द ट्रक। ट्रक को पुश करने के लिए आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, बड़ा जो बल का हिस्सा है वो अप्लाई करना पड़ेगा, और कार के लिए थोड़ा सा, ठीक। और ऐसा हमें क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम सेम स्पीड में सेम टाइम में गेन करना चाहते हैं। तो समान गति समान समय में अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसके लिए जो बल चाहिए होगा, तो अगर आप भारी भरकम ट्रक के ऊपर वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, वहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगेगा, और कार पर जो लगाएंगे वो कम मात्रा में लगाएंगे, उतने से काम हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ कहा गया कि यहाँ देख रहे हैं आप, सिमिलरली अ ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप अ हैवी बॉडी देन अ लाइट बॉडी इन द सेम टाइम। कोई भारी भरकम वाहन है, उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे चलाने के लिए ज़्यादा की आवश्यकता थी वैसे रोकने के लिए भी ज़्यादा की आवश्यकता है।
और जो हल्का है, लाइट वेट है, उसको रोकने में कम आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधी बात है, चलाने के लिए भी वैसे ही था और रोकने के लिए भी वैसे ही था। तो यहाँ पर हम मोमेंटम को क्लियर कट देख पाते हैं। इसी प्रकार से दो पत्थर है, एक भारी है एक हल्का है, आप उसे ऊपर से गिरा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी यही बात है। मतलब जो नीचे खड़ा व्यक्ति है वो हल्के वाले को आराम से पकड़ लेगा, भारी वाले को पकड़ने में उसे अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं, अब चेंज इन मोमेंटम को देख लेते हैं। मोमेंटम में कैसे चेंज आता है? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये प्रपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है उस फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स के, जो कि उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है। चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज हैपन्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स का विरोध नहीं करता है, फोर्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसकी जो गति की दिशा होगी या इसके अप्लाई होने की जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की ही डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पर इसका जो अनदर फॉर्म है उसे आप देख सकते हैं, एम, यहाँ पी इज इक्वल टू एम इन टू वी तो आपने देखा था, लेकिन न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उससे आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए। ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये मोमेंटम के बारे में आपको अच्छी सूचनाएँ देता है। तो हमने यहाँ पर चेंज की बात तो कर ली, लेकिन मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसा होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ ये कहा गया कि फॉर टू और मोर बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ ध्यान दीजिएगा जो सिस्टम है वो कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, एक्टिंग अपॉन ईच अदर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है तब तक उनका जो मोमेंटम है वो हमेशा कॉन्स्टेंट बना रहेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो आइसोलेटेड सिस्टम में रखे गए। देयरफॉर मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सीधी बात है, जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करते, तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, लगे हाथ उसको भी देख लेते हैं, तब जाकर हम कोलाइजन को देखेंगे। तो एनर्जी में भी वही बात है कि उसको एक फार्म से दूसरे फार्म में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो होती है, बस उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि टोटल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी और सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, इस कंडीशन में यही होगा। और इसमें यह भी होता है कि वेन एवर एनी एनर्जी इन एनी फॉर्म डिसअपियर्स, आप क्या करते हैं, एनर्जी आपने किसी सिस्टम में डाली और कुछ दूर जाकर वो समाप्त हो गई, आपको ऐसा लगा कि वो समाप्त हो गई, लेकिन असल में क्या हुआ, उसका पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया, दूसरे फार्म में वो ट्रांसफर हो गई। जैसे आप अपने इकोसिस्टम में देखते हैं, जो फूड चेन है उसके अंदर केमिकल एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में शिफ्ट होती है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा बर्बाद होता है। ठीक है, जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा तो बेकार चला जाता है, कुछ तो मेटाबॉलिज्म में काम आ जाता है और कुछ जो है वो व्यर्थ चला जाता है, तो वो असल में नष्ट नहीं होता है, वो हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाता है, जो कि उस फूड चेन को वापस नहीं मिलता। तो ऐसा ही होता है, एनर्जी जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन उसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है कोलाइजन। तो कोलाइजन क्या है, इसे आप इंटरप्ले भी कह सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पार्टिकल, अब इसमें एक से ज़्यादा होना आवश्यक है, तभी तो कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे तभी जब दो रहेंगे या कम से कम एक से ज़्यादा रहेंगे। तो इसमें यही कहा गया कि टू और मोर पार्टिकल्स इन विच अ पावरफुल फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम फॉर अ शॉर्ट टाइम। ध्यान दीजिएगा, कोलाइजन जो होता है उसमें एक बहुत ही भयंकर बल काम करता है, जब दो पार्टिकल आपस में, मतलब वो एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं, पहली चीज़ तो आमने सामने से एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों में भिड़ंत होगी, अगर रफ्तार तेज है तो जो टक्कर है वो उतनी ही ज़बरदस्त होगी। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट फोर्स का वहाँ पे वर्क करता है, लेकिन ये सीमित समय के लिए होता है, जब तक ये आपस में संपर्क में रहते हैं, टच में रहते हैं, तभी तक वो फोर्स काम करता है, उसके बाद वो वहाँ से हट जाता है, यही है कोलाइजन। अब इसके कुछ एप्लीकेशन और इससे संबंधित बातें हैं जो कि जाननी आवश्यक है, लेकिन पहले हम देखेंगे इम्पल्स को। ठीक है, इम्पल्स भी फोर्स से ही जुड़ा हुआ है, इसमें यही बताया गया। कोलाइजन को हमने पहले इसलिए देखा क्योंकि इम्पल्स में हम उस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो इसमें ये कहा गया, यहाँ देखें आप, एनी एक्सटर्नल फोर्सेस ऑपरेटिव ऑन एन ऑब्जेक्ट, या आप कह लीजिए कि कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यहाँ पे शॉर्ट होगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो क्या करता है, किसी फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई होता है, देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स थोड़े ही समय के लिए अप्लाई हुआ था उसका टाइम के साथ हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी टाइम के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है इम्पल्स, जिसको कि जे से डिनोट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इम्पल्स को आई से डिनोट नहीं करते, जे से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बॉल है, उसको आप दीवार की ओर फेंकिए, वो दीवार से टकराएगी। ठीक है, ये आपकी दीवार है और ये बॉल है, बॉल जो है वो दीवार की तरफ आ रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों में टक्कर होगी।
टक्कर होगी तो कुछ समय के लिए बॉल जो है वो दीवार के संपर्क में रहेगी और उतनी ही देर तक वहां पर फोर्स जो है वो अप्लाई होगा, लेकिन वो फोर्स इतना पर्याप्त होगा कि वो इसे रिट्रैक्ट कर सके, मतलब पीछे की ओर धकेल सके, और ये इसे वापस भेजने के लिए काफ़ी होगा। तो जो बॉल है वो टकराकर वापस लौटती है, वही चीज़ यहाँ सरल भाषा में बताई गई है। कहा जा रहा है कि बाउंस बैक, मतलब जो वॉल से टकराती है उसे हिट करती है, तो उसके बाद वो क्या करती है, बाउंसेस बैक, पीछे की ओर बाउंस कर जाती है, लौट आती है। द फोर्स ऑन द बॉल बाई द वॉल एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय के लिए काम करता है। वेरी शॉर्ट टाइम यानी बहुत छोटा समय अंतराल होता है, हमें पता भी नहीं लगता, वो टकरा के लौट भी आती है। When the two are in contact, जब वो दो आपस में, मतलब दीवार और बॉल जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट में थे। Yet the force is large enough to reverse the momentum of the ball. बॉल के अंदर जो मोमेंटम है उसको रिवर्स करने के लिए पर्याप्त होता है, भले ही थोड़े समय के लिए अप्लाई होता है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई। और ये फोर्स जो है ये बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होता है, तो इसमें हम टाइम रेंज को फोर्स से अलग अलग नहीं कर पाते, दोनों को सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जब आप टाइम और फोर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे जो मोमेंटम में चेंज आते हैं वो हमें मालूम हो जाता है, मतलब कम से कम आप चेंज इन मोमेंटम को तो मेजर कर ही सकते हैं। और इसी को अगर आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं इनका, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्स को और टाइम को, तो उस कंडीशन में हमें प्राप्त होगा आवेग यानी इम्पल्स। तो टाइम इंटरवल का फोर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन है, और इसमें जो मोमेंटम है उसको रिवर्स करने के लिए फोर्स काम करता है, और इम्पल्स को हम इसी के आधार पे टाइम के मल्टीप्लाई के साथ कैलकुलेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इम्पल्स को आपने देखा, ये एक्सटर्नल फोर्स को सही तरीके से दर्शाने के लिए पर्याप्त होता है। अब आगे जो हम चीज़ देखेंगे वो वेट और मास के बीच का डिफरेंस है। ठीक, तो ये एक टेबल बनी है, इसे देख लीजिए, उसके बाद हम ग्रेविटेशन की ओर बढ़ेंगे जो कि खुद एक फोर्स है। तो वेट क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होता है। वेट असल में क्या है, डब्ल्यू जिसे आप कहते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है, जबकि मास जो है वो मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर होता है। ध्यान दीजिएगा, मास जो है वो हमेशा स्थिर बना रहता है, और वेट की यूनिट होती है न्यूटन। वेट जो है ना उसको न्यूटन में व्यक्त किया जाता है, जबकि जो मास होता है उसे ग्राम या किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, जैसा सिस्टम है, CGS है, MKS है, SI है, उस पर ये डिपेंड करता है, लेकिन इसकी जो यूनिट है वो आमतौर पर किलोग्राम होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा, वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो मास है वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, अगर आप प्लेस चेंज कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर रहे हैं, उसे कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से उसका वेट चेंज हो जाएगा, लेकिन मास जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट बना रहेगा। चाहे आप कितना भी टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी चेंज कर दीजिए, उसकी पोजिशन चेंज कर दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने देखा है, ग्रेविटेशन को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और आगे की बातों को करेंगे। इसमें इतना ही।